नमस्कार, आईडीबी 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विराट दुबे। प्रदेश में पहली बार राजधानी पुलिस ने एक बलात्कार के आरोपी को महज 4 दिनों के अंदर गिरफ्तार किया, जिसके बाद उसे न्यायालय में चालान पेश कराकर 1 महीने के अंदर 20 वर्ष की सजा भी दिलवाई, जिससे छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक द्वारा उस टीम को सम्मानित किया जाएगा। बीते 25 फरवरी को तेलीबांधा थाना क्षेत्र के अंतर्गत जोरा में एक 1.5 वर्ष की बच्ची के साथ उसके पड़ोस में रहने वाला 21 वर्षीय मुकेश विश्वकर्मा नामक एक व्यक्ति द्वारा बलात्कार का मामला सामने आया था, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना पुलिस व आला अफसर एक्शन लेते हुए 2 दिनों के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसके 1 माह बाद आरोपी को धारा 112/19, धारा 376, 342, 201 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत आरोपी को 20 वर्ष की सजा व 50,500 रुपए अर्थदंड दिया गया। पुलिस के द्वारा एक बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है, जिसके बारे में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है। 1 महीने के अंदर अंदर, मतलब घटना होने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर पुलिस ने विवेचना करने के बाद आरोपी को पकड़ने के पश्चात चार्जशीट पेश करके पूरा जो प्रकरण का न्यायालय में प्रक्रिया है उसको समाप्त करके टोटल 1 महीने के अंदर अंदर आरोपी को सज़ा दिलवाई है। आरोपी को 20 साल की सज़ा और 50,000 का जुर्माना दिया गया कोर्ट द्वारा। तो अपने आप में कि ये पहला प्रकरण है छत्तीसगढ़ का जिसमें आरोपी को इतने शीघ्र, मतलब घटना करने के 1 महीने के अंदर अंदर सज़ा सुनाई गई है। और तेलीबंधा थाना में यह घटना हुई थी 25 तारीख को, उसके पश्चात 27 को आरोपी गिरफ्तार हो गया था और 30 उसमें टोटल 2 तारीख को जो है आरोपी, हम लोग ने चार्जशीट पेश कर दी थी थाने में और उसके पश्चात जो है न्यायालयीन प्रक्रिया शुरू हो गई थी। एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह होने के पश्चात आज जो है न्यायालय ने इसमें सज़ा सुनाई है और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोफेशनलिज्म, हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखाते हुए हमारे जो रायपुर पुलिस में जो तेलीबांधा थाना प्रभारी और उनकी टीम द्वारा जो है इस प्रकरण में विवेचना की गई और आरोपी को सज़ा दी गई है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज गया है समाज को कि अगर कोई भी ये ऐसा दुष्कर्म का, खास करके जो मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म करता है, तो रायपुर पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस जो है बिल्कुल सक्रियता से भूमिका निभाएगी अपनी और जल्द से जल्द इन लोगों को ना केवल सलाखों के पीछे डालेगी बल्कि उनको बड़ी से बड़ी सज़ा दिलवाएगी। मेरे तरफ से 10,000 के इनाम की मैंने घोषणा की और माननीय DGP महोदय ने भी 50,000 रुपये की घोषणा और सर्टिफिकेट पुलिस मुख्यालय में देने का ऐलान किया है। देखिए, अभी ऑलमोस्ट जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें वो सीज कर लिए हैं। अभी CGMC से और कुछ डॉक्यूमेंट्स हम लोग बरामद करेंगे, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट बचे हैं लेकिन पुख्ता सबूत जो है हमने इकट्ठा उसमें कर लिए हैं और अभी जो बैंकों से दस्तावेज मिले थे उनको हम लोगों ने क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन के लिए भेजे हैं, उसकी रिपोर्ट ही हम लोग को शीघ्र मिलेगी। तो एकदम ये पुख्ता एविडेंस हो जाएगा और उसके पश्चात जो है हम लोग अग्रिम कार्रवाई करेंगे। नोटिस ने अभी लगातार हमारी टीम जो है दबिश देगी और इसमें गिरफ्तारी की कार्रवाई, कुछ लोकेशन मिले हैं, अभी टीम हमारी जो है रवाना होगी जल्दी उसमें। आपको बता दें कि देश के तमाम फास्ट ट्रायलों में आरोपियों को सजा दिलाने के मामलों में अब यह प्रकरण भी शामिल हो गया है, जिसके उपलक्ष्य में रायपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा उस टीम को 10,000 रुपए की राशि व छत्तीसगढ़ पुलिस महानिदेशक द्वारा 50,000 की राशि के साथ साथ प्रमाण पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो रोचक और लेटेस्ट खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ IDP 24 न्यूज पर और हाँ, हमें YouTube में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।